कैंसर से ऐसे लड़ी। बंधु मानो कोई सर्दी खांसी जुकाम है। कैंसर भी सोचता होगा कि कहां इस फाइटर से पंगा ले लिया। इसीलिए इस फाइटर को दिए जाने वाला अवार्ड का नाम है The Ultimate Fighter Award. Ultimate Fighter Award. बिल्कुल सही बात। Thank you. मम्मा, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। I love you. I love you too. I love you too. Thank you. राज ने अभी अभी कहा कि मैं ऐसे काम करती हूँ जैसे कि मेरे 10 हाथ हैं। तो मैं भी सोच में पड़ गई कि क्या सच में मेरे 10 हाथ हैं कि मैं एक साथ इतने काम कर लेती हूँ। पर फैक्ट ये है कि यहाँ मौजूद कई महिलाएं अपने घर का ख्याल रखने के लिए, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए ऐसे ही काम करती हैं। क्योंकि इस काम में ना हमें मजा आता है, इस काम से हम थकते नहीं। और ये काम हम सिर्फ अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस काम से हमारे मन को शांति मिल रही है। और इसी शांति की वजह से शायद हम ऐसे काम करते हैं जैसे हमारे 10 साल। और दूसरी बात सखी ने कही परवरिश के बारे में, तो हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे। मैं और आज भी अलग नहीं, हमारी भी यही कोशिश रहती है। हम घंटों इस बारे में बातें करते हैं और अगर हम में से किसी एक से गलती हो जाए तो दूसरा उसे सुधारता है, उसे सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि जो सीख हम अपने बच्चों को देंगे उसी सीख पे वो पूरी जिंदगी चलेंगे और आगे जाकर वही सीख, वही परवरिश वो अपने बच्चों को देंगे। एंड राज ने कहा कि मैं कैंसर से ऐसे लड़ गई जैसे सर्दी खांसी की हो। पर सच कहूं तो डरी थी मैं, बहुत डरी थी। और फिर भी उस डर के आगे बढ़ पाई, कैंसर से लड़ पाई, उसका सामना कर पाई, उससे जीत पाई, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का साथ था, मेरे परिवार का साथ, मेरे पड़ोसियों का, मेरे दोस्तों का साथ था। और कैंसर से जूझने के बाद ये रियलाइज हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, अगर अपनों का साथ होता है तो आप में उससे लड़ने की शक्ति आ ही जाती है। सो थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, मुझे हमेशा याद दिलाने के लिए कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वंदना भाभी की जय, वंदना देवी की जय। लव यू मम्मा। हेलो, कहाँ हैं आप? पहुंच गई। अच्छा जल्दी आइए, मैं आप ही का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। आइए आइए। अच्छा बच्चों क्या खत्म नहीं हुआ अभी? और अवार्ड से चलो जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ ओके। अब मैं जिस इंसान को स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए बुलाने जा रहा हूं, उस इंसान के काम करने का नजरिया, काम करने का तरीका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वजह बन सकता है। क्योंकि उनका यह मानना है कि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है और सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज जरूर है लेकिन अनजाना नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस कियारा तेजवानी का। आई आई बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। आज के जमाने में जब हर कोई विदेश जाना चाहता है, वही हमारी कियारा मैम विदेश से हमारे देश भारत लौट, और वो इसीलिए क्योंकि वहां पर उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला वो यहां अपने देश के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो यहां पर आई जरूर, आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का कुरियर का बिजनेस संभाला। हम अक्सर औरतों को कमजोर समझते हैं लेकिन जिस हिम्मत से, जिस मजबूती से हालातों का सामना किया, वाकई काबिले तारीफ। इसीलिए अब जो अवार्ड कियारा मैम को दिया जा रहा है
उस अवार्ड का नाम है ट्रू इंडियन वुमन अवार्ड। यस, तालियां, ट्रू इंडियन वुमन अवार्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज। यस ऑफ कोर्स। इस मौके पर आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इंडिया वापस आने के फैसले के पीछे वो सारी इंडियन करियर वुमेन हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। अब चाहे वो इंदिरा नुई हो, कल्पना चावला जी हो, सुनीता विलियम्स हो या फिर गीता गोपीनाथ, मैं इनके जैसे जज्बे के साथ कुछ करना चाहती हूँ। हम भारतीय औरतें कभी कभी ये सोच लेती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो घरेलू महिलाएं हैं, हम एक सिंपल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सिंपल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं उनके अंदर आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है वही उन्हें सबसे आगे ले जाता है। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे सारी मुसीबतें हार मान गई और वो हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई। वैसे ही हम सबको खुद को कभी कमजोर नहीं समझना है। वो कहता है ना, हमें मंजिल तक नहीं पहुंचना है बल्कि मंजिल को हमारे पास लाना है। रुकिए। एक और सरप्राइज अभी बाकी है। अरे जैसे सखी दीदी ने सारी लेडीज के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया था, वैसे ही मैंने डैडी के साथ डिस्कस करके आने वाली कल की नारी शक्ति सखी दीदी और गुनगुन दीदी के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया है। अरे क्या बात है डैडी, सखी दीदी एंड गुनगुन दीदी। चलो चलो अवार्ड लेकर आओ। एक मिनट। क्या? थैंक यू अथर्व। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, अब सच में सरप्राइज है ना गुनगुन। तो मुझे और गुनगुन को अवार्ड देने से पहले मैं एक क्यूट अडोरेबल यंग लेडी के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो यंग लेडी भी कल की तारी शक्ति है। यहाँ मौजूद सारी औरतों की तरह वो भी इस अवार्ड की हकदार। गेस करो कौन है। किट्टू। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं किट्टू के बारे में बात कर रही हूँ। एक मिनट, किट्टू के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज अप माइक। थैंक यू किट्टू के बारे में क्या ही तारीफ करूँ मैं। किट्टू जितनी प्यारी दिखती है उतनी ही समझदार भी, उतना ही अपनापन भी है उसमें। किट्टू ने यामिनी भाभी और दक्कू भाई को माँ पापा बनने का सौभाग्य दिया, उनके साथ परिवार बनाया। और सच में किट्टू तुम आदर्श भारतीय नारी का बाल रूप हो और यही है तुम्हारे अवार्ड का नाम। ओके। चलो जोरदार तालियां, किट्टू के दो शब्द सुनेंगे सब। यस। वंदना आंटी ने कहा कि मैंने एक अनजाने परिवार को अपना परिवार बना लिया, लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले मेरे मम्मी पापा ने एक अनाथ बच्ची को अपनी बेटी बनाया था। इसी की वजह से तो इस बेटी के पास ये अधिकार है कि मैं इन्हें अपने मम्मी पापा कह सकूं। मैं छोटी हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगूंगी, पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया, वैसे अगर आपको भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का मौका मिले ना तो जरूर करना। थैंक यू। क्या बात है। फैंटास्टिक। किट्टू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके, अब बारी है डैडी की लाडली सखी की। सखी के पास अच्छी सोच और समझ तो है ही, उसके साथ साथ कंपैशन और आइडियलिज्म जैसी क्वालिटीज भी है। किसी भी अच्छे इंसान के अंदर, खासकर महिला के अंदर, ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक समाज और परिवार का आधार होती है महिला। उस आधार के बगैर एक समाज और परिवार चलना तो दूर, अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता।
सखी के अंदर लॉजिक है, पैशन है, प्रेम है, जूझने की ताकत है। आज वो टीनेजर है लेकिन कल की वो स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल। इसीलिए हम जो अवार्ड अब सखी को देने जा रहे हैं वो है आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड। क्या नाम चुन चुन के रखे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सखी दीदी। यस। अरे सखी के दो अनमोल शब्द सुनेंगे सब। थैंक यू थैंक यू। अभी जो डैडी ने मेरी क्वालिटीज बताई वो अपने आप मेरे अंदर नहीं आई, वो आई मेरी फैमिली के संस्कार और परवरिश से। ये जो मुझे अवार्ड मिला है आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड। यस। तो इस अवार्ड के पीछे मेरी फैमिली का आइडियलिज्म है और ये आइडियलिज्म मुझे विरासत में मिला है और मैं बस इस विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ। और कल जाके मेरा भाई अथर्व और विद्युत बढ़ाएंगे जो आने वाले कल के आइडियल मैन इन मेकिंग बनेंगे। लखी दीदी थैंक यू। मुझे भी गुनगुन दीदी के लिए कुछ बोलना है, क्या मैं बोलूं? गुनगुन दीदी अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दीदी हो। पता है गुनगुन दीदी ना एक्सप्रेसिव नहीं है, दीदी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती, लेकिन वो हमेशा आप लोगों का साथ देती है। गुनगुन दीदी ना कम बोलकर भी अपनों के लिए बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट बनती है। गुनगुन दीदी अपने दोस्त की एक सच्ची और अच्छी दोस्त बन के रहती है। इसीलिए मैंने गुनगुन दीदी के अवार्ड का नाम रखा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड अवार्ड। गुनगुन दीदी मारो छोरो है, मारो छोरो है। तालिया। गुनगुन के दो शब्द सुनेंगे हम। विद्युत ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, खुल के अपनी बात नहीं कर पाती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बातें नहीं है कहने को। बातें तो है पर वो बातें मैं सिर्फ कुछ लोगों से ही कर पाती हूँ और कुछ लोग के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। आज आप सबकी हिम्मत से भरी स्पीच सुनके मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत आई है एंड आई होप कि अब से मैं भी अपनी बात खुल के सबके सामने रख पाऊंगी। ब्रिलियंट। आप बात है। यस। मोर पावर टू गुनगुन। ये हुई ना बात। अरे मुझे तो थैंक यू बोलो। हाँ हाँ थैंक यू दर्शन भाई। क्या बात है। ओ राजेश भाई मारी छोरी है। हाँ वो मैं बोलने वाला था आपकी छोरी। हाँ वही तो बोल रहा। चलो 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 जो कुछ अलग तरह का काम करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, लेकिन हमारे देश की औरतें हर रोज ऑर्डिनरी से लगने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण काम जिस जुनून और जज्बे के साथ करती है। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड उस जुनून और जज्बे को सम्मानित करने का, रिकॉग्नाइज करने का अच्छा मौका है, राइट डैडी? एब्सोल्युटली। एक घर को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार को जोड़े रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। हाँ, ऐसे असाधारण कामों के लिए असाधारण व्यक्ति की जरूरत होती है और वो असाधारण व्यक्ति है हमारे समाज और हमारे परिवार की महिलाएं। तो इन असाधारण कामों के साथ साथ महिलाएं करियर भी संभाल रही हैं, मतलब अलग अलग मोर्चे संभाल रही हैं और जीत भी रही हैं। इसीलिए वुमेन्स डे के इस अवसर पर हम सब मिलकर इन सारी महिलाओं को थैंक यू कहेंगे और हैप्पी वुमेन्स डे विश करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। वंदू रानी
एक प्रॉब्लम हो गई है. क्या मेरा फोन, मतलब मेरा चैटिंग ऐप हैक हो गया है. तो अगर तुम्हें मेरे नंबर से कोई मैसेज आ जाए ना, तो उसे मतलब सीरियसली मत लेना, हाँ, क्योंकि वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है, वो किसी हैकर ने भेजा होगा. हाँ ओके. आजकल यू नो कुछ बोल ही नहीं. हेलो बंधुरानी, ओके ना. बोला क्या अंगा अग्नि ने? बोला क्या? ये बोला कि इसके बारे में क्या सोचा? नहीं ना मा. अच्छा अभी बोला मैं और बोला बोला क्या बोला? अच्छा 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 पंटर बोल रहा है मैंने गेट नहीं खोला, मैंने खाली ताला खोला. ताला है ना? ताला. अरे आप पानी पियो ना यार, पानी लाकर दो इनको. पानी किधर? पानी किसी का भी पानी. जल्दी पी, जल्दी पी. बोल फटाफट. मैं ये बोल रहा हूँ कि वरना अभी ने बोला क्या? हाँ वो नहीं नहीं कुछ नहीं बोला. कुछ तो बोला होगा ना राजू, जैसे अच्छा. कोई 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 जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट काट दिया फोन. ओ माय गॉड राजेश भाई, फिर तो आप गए. चक्कर के चक्कर में फंस के फंसा है चक्रम राजेश वागले. चक्रव्यूह के चक्कर में, चक्रव्यूह के चक्कर में आएंगे चक्कर. चक्रम राजेश वागले को चक्कर के चक्कर में. क्या बोल रहे हो? मेरे को चक्कर आ गया सुन के. ये राजेश भाई एक टंग ट्विस्टर के माध्यम से आपकी वास्तविकता बयान कर रहा हूँ, और वास्तविकता ये है कि अब आप बच नहीं पाएंगे ऐसे झूठ बोल के. आप फंस चुके हैं, आप पे आसमान टूट पड़ा है, बिजली गिर पड़ी है. आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और ये चक्रव्यूह किसी और ने नहीं, खुद आपने रचा है अपने लिए. मिस्टर सानी, आपका पार्सल कल शाम को या परसों सुबह तक 100% पहुंच जाएगा. जी आई नो. लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल पार्सल है ना, तो कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है. बट डोंट वरी, आई विल कीप यू अपडेटेड. Sorry for the delay, by the way. Thank you, sir. Thank you. तीन पत्ती. ये ग्रुप किसने फॉर्म किया है? ओहो, दक्कू भाई ने क्रिएट किया है. दक्कू भाई पर ना एडमिन होने का भूत सवार हो गया है. धनाधन बोलो नाम लिया और फोन. हाँ बोलिए दक्कू भाई. देखा देखा राजेश भाई, देखा हमारा नया ग्रुप, देखा यानी मेरा, आपका और पंटर का ग्रुप. ये ग्रुप मैंने बनाया है, मैंने यानी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी और 27 चैटिंग ग्रुप के एडमिन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा. और रूल्स मतलब रूल्स फेम दक्षेश जोशीपुरा यानी मैंने, मैंने बनाया है मैंने. ओ चैटर्जी, चैटिंग ग्रुप बनाया आपने? कोई मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी नहीं की है जो मैंने मैंने कह के उछल रहे हैं आप? ओ राजेश भाई, अरे आपसे तो इतना भी नहीं हुआ, शुक्र मानो मैंने इतना तो किया. राजेश भाई आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले 7 दिनों में मैंने कुल 27 चैटिंग ग्रुप बनाए हैं. इसमें से मेरा सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट ग्रुप यानी बिग फैमिली ग्रुप. इस ग्रुप में मैंने वागले फैमिली, हर्षद अग्रवाल फैमिली और जोशीपुरा फैमिली के बड़े सदस्यों के साथ साथ आशा और तिवारी को भी रखा है. इस ग्रुप में सब बड़े कभी भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं उस प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा. हाँ इस ग्रुप पे मैंने बच्चों को नहीं रखा, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया, लिटिल फैमिली ग्रुप. राजेश भाई आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो इंसान 7 दिनों में 27 ग्रुप बना सकता है, वो आने वाले समय में 27 मल्टी नेशनल कंपनियां खड़ी कर ही सकता है. देखो भाई, एक होता है कॉन्फिडेंस, हाँ एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और एक होती है गलत फहमी. उसी गलत फहमी के शिकार हुआ. ओ राजेश भाई आप ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको हमारे ग्रुप का यानी आपके, मेरे और पंटर के ग्रुप का टाइटल कैसा लगा? बहुत वाहियात टाइटल है, तीन पत्ती. तीन पत्ती? तीन पति नहीं, तीन पति. तीन पति? अरे तो अगर पति है तो जो ती होता है ना उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, और पत्ती में पूरे त के पहले आधा त लगता है. बट
ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक. मैंने तो पति लिखा था, पर पति का पत्ती कब हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला. अरे वाह, बोलो. और अब 27 मल्टीनेशनल कंपनियां शुरू करने वाले. अच्छा बाय द वे, ये नया ग्रुप क्यों शुरू किया आपने? हेलो, जवाब दीजिए. जवाब क्या दूं राजेश भाई, जवाब सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे राजेश भाई, शॉक्ड. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.